अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम टॉपिक नंबर 33 को डिस्कस करेंगे, कैलीग्राफी 2। इसमें हम वर्ल्ड ट्रेडिशंस को डिस्कस करेंगे कि दुनिया में जो ट्रेडिशंस होती हैं, उनकी रवायात होती हैं, वो कैसे आर्ट में प्रेजेंट करते हैं, उनका वे क्या होता है आर्ट में रिप्रेजेंट करने का। यूरोपियन हिस्ट्री की बात करें तो उनकी ट्रेडिशन अलग होती हैं, जिस तरह पिक्चर में देख सकते हैं कि वो मतलब वो जो आर्ट या फन क्रिएट करते हैं वो इन चीज़ों को देखते हुए क्रिएट करते हैं। इस तरह आप उस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जब वो वॉल्स पे इस कोई भी आर्ट क्रिएट करते हैं तो उसमें वो डिफरेंट टाइप की पिक्चर्स और डिफरेंट टाइप के जो नमूना जात होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो जिस तरह पिक्चर में देख सकते हैं कि ये लैटिन स्क्रिप्ट है, इसमें जो अल्फ़ाबेट्स हैं उन्होंने लैटिन में लिखे हुए हैं। ये अबाउट 1600 BC से रिलेटेड है, तब की ये रिप्रेजेंटेशन है। तो इसमें वो डिफरेंट टाइप के बाइबल रिलीजन, मतलब जिस तरह हमारे मुसलमानों में कुरान मजीद होता है, इसी तरह उनमें बाइबल है। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो बुक्स होती हैं उनको डिपिक्ट करते हैं। तो मतलब इसमें वो डार्क एज और रोमन एम्पायर और ये तमाम चीज़ों को इसमें ब्रीफली डिस्कस करते हैं। इस तरह ईस्ट एशिया की हिस्ट्री को देखें तो वो भी एंशियंट चाइना, ओल्डेस्ट चाइनीज करेक्टर एग्जिस्टिंग, तो ये आप करेक्टर्स देख सकते हैं, उनके जो अल्फ़ाबेट्स करेक्टर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखें आप, ये आर्ट में भी आप देख सकते हैं कि वो उसने जो आर्ट बनाया है तो वो चाइना के लोग ही इसको समझ सकते हैं, हम लोग इसको समझ नहीं सकते, क्योंकि जिस कंट्री की लैंग्वेज होगी वो इसको समझेगा। तो ये चाइनीज़ ईस्ट एशिया हिस्ट्री को वो डिस्कस कर रहा है। इंडियन हिस्ट्री अलग है, इंडिया में भी आप देख सकते हैं कि उनकी जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है, तो उनके जो अल्फ़ाबेट्स हैं, उनकी जो ग्रामर है, उनका जो पॉइंटिंग पॉइंट आउट करने का, ये पेंटिंग करना या आर्ट करने का ये वे जो डिफरेंट है। तो आप पिक्चर्स में देख सकते हैं सब ने अपनी हिस्ट्री को डिपिक्ट किया है। ये जो पिक्चर्स हैं ना सिर्फ बजाते ये कोई रूटीन मैटर में, ये जनरल पिक्चर नहीं, ये स्पेसिफिक पिक्चर है, ये उनके कल्चर को, उनकी ट्रेडिशन को रिप्रजेंट कर रही हैं। इसी तरह इस्लामिक वर्ल्ड, जब हम अपने इस्लामिक मुल्क की बात करते हैं, मुस्लिम ममालिक की बात करते हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं कि वो पिक्चर्स पे कुरान मजीद के आयात लिखते हैं, ठीक है। और ये जब भी दीवार पे कोई फ़न क्रिएट करते हैं तो वो इस लैंग्वेज का, अरेबिक लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो ये उनकी कैलीग्राफी है जो विजिबल होती है, मतलब मुस्लिम ममालिक की अलग है, दूसरे ममालिक की अलग है। तो इसी टॉपिक में टोटली थ्रू आर्ट के थ्रू ये फन को रिप्रेजेंट किया गया है।